क्या हो दोस्तों, मेरा नाम है एडीआई एंड वेलकम टू रिव्यू रिव्यू। सो आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं आईफोन 12 प्रो। मुझे इस फोन के सपने देखते हुए तकरीबन 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। एंड इसकी जो प्राइस है वो इंडिया में 1,20,000 रुपए के अराउंड आती है, और अगर यूएस में आपके कोई रिलेटिव रहते हैं और वो बाई चांस एप्पल में काम करते हैं तब तो आपको बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगी है। सो ये जो वेरिएंट है वो 128GB पैसिफिक ब्लू है, जिसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और इसकी बेस्ट बाइंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन के नीचे है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जस्ट डाइव इन। Hey guys, my name is Aditya and welcome back to the channel. So, हम लोग थोड़ा रिव्यू शिव्यू की टांग खींच रहे थे। रिव्यू शिव्यू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, बहुत ही अच्छा टेक चैनल है, मेरे एक फ्रेंड का ही है एंड काफी बढ़िया वीडियोस बनाता है वो, सो डू चेक इट आउट। ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ये चैनल अभी भी ट्रैवल चैनल ही है, ये कोई टेक चैनल नहीं बना है। मुझे बिल्कुल पता नहीं है टेक वेक के बारे में ज्यादा कुछ, जाके मैं उसको रिव्यू व्यू कर सकूँ। एनीवेज, ये फोन मैंने ऑर्डर किया था तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते, काफी बड़ी बात थी मेरे लिए ये फोन खरीदना, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट भाई, ये टेक चैनल नहीं है। ओके सो हम लोग इसको अनबॉक्स करते हैं। थोड़ा ये खराब हो गया क्योंकि बहुत दूर से आया बेचारा, ऐसा मैंने देखा है, ऐसे एस्थेटिक अनबॉक्सिंग। सुंदरता पे जरा गौर फरमाएं। दिस इज इट। अरे ये ठीक से रख नहीं पाया मैं, सॉरी। अरे कैसे रखते हैं अभी वो लोग अनबॉक्सिंग वाले, तो सही से रख देते हैं यार। ठीक है कोई बात नहीं, हम जरा देख लेते हैं। यहाँ पे लोग बोलते हैं ऐसे स्टिकर मिल जाता है कुछ कुछ, हम जरा देखेंगे। यहाँ पे हमारे बुकलेट्स मिले हैं, ऐसा लोग करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है फेंक देते हैं, इसकी ज़रूरत है इसे रख लेते हैं, इसकी भी ज़रूरत हो सकती है फेंक दो। ये वायर मिल रहा है और इसके साथ चार्जर नहीं मिलता, आपको पता ही है। इसको अब ऑन करते हैं हम। बड़ा अच्छा लग रहा है यार, दिस इज़ माई फर्स्ट एप्पल प्रोडक्ट। हेलो भी बोल दिया अब तो। ओके ठीक है, ये सब बाद में सेटिंग कर लिया जाएगा, तक हम लोग बी रोल देखते हैं। ऑलराइट, सो आज इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग ले आए हैं बाहर खुली हवा में। तो आज लो लाइटिंग, वीडियो वीडियो जो भी है, फोटो वोटो सब लेके हम लोग टेस्ट कर लेंगे कि कैसा आ रहा है, और कल सुबह हम लोग थोड़ा डे लाइट में फोटोग्राफ्स वगैरह लेंगे। और मैं ट्रिप पे भी गया था इसे लेकर, तो मैं वहाँ पे जो कुछ कुछ फोटोग्राफ्स लिया था वो सब मैं डाल दूंगा। सो आप लोगों को एक रफ आइडिया मिल जाएगा कैसे वीडियोज आते हैं, कैसे फोटोज आते हैं। सो लेट्स गो। तो खाना पीना खाकर हम लोग वापस घर आ चुके हैं, एंड मेन मकसद हमारा ये था रात को शूट करने का, क्योंकि दिन के ब्रॉड डे लाइट में हर कैमरा अच्छा परफॉर्म करती है, तो हमने सोचा था हम लोग रात को ही करेंगे। इनफैक्ट ये वाली वीडियो भी हम लोग रात को ही शूट कर रहे हैं, और वो जो अनबॉक्सिंग वीडियो थी वो भी हम रात को ही शूट कर रहे थे। एंड उस रात को, जिस रात को हम लोग खाने गए थे, और इस रात के बीच में कई रातें बीत चुकी हैं। अब आपका काम है कि आप कमेंट में जाके लिखोगे मैंने कितनी बार रात शब्द का इस्तेमाल किया है। जो 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 सही आंसर देगा उसको मैं मेरी तरफ से कुछ एक गिफ्ट दूंगा। ऑलराइट, सो ये वीडियो जो है, ये जो वीडियो थी एक छोटी सी वीडियो थी, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। सो बेसिकली ऐसा है कि ये पहला मेरा एप्पल प्रोडक्ट है जो मैंने खुद के पैसों से खरीदा, तो ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा था मुझे, तो मैंने सोचा ये महसूस जो मुझे हो रहा है मैं आप तक भी पहुँचाऊँ। एंड मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैं छोटा था तो ना उस समय 5S लॉन्च हुई थी, तो मेरे को वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, मतलब उसका जो डिज़ाइन था जो कि काफ़ी हद तक 12 प्रो से मिलता जुलता है, सो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी टेबल के सामने लगा के रखा था। एनीवेज, आज का वीडियो बस इतना ही है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो अब आने वाली हैं
वो रेगुलरली आएंगी, क्योंकि 2021 में मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की है कि मैं हर सैटरडे वीडियोस डालूंगा। और सैटरडे इसलिए क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था कि वेंसडे डालना है या सैटरडे डालना है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि सैटरडे वीडियो डालना है। सो इसलिए हर सैटरडे वीडियो आएगा, और अगर नहीं आता है तो इंस्टाग्राम पे आके मेरे को परेशान कर दे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सैटरडे एक भयंकर वीडियो के साथ, क्योंकि सुनो रुको जरा सबर करो, नेक्स्ट सैटरडे से एक ट्रैवल व्लॉग आने वाला है, क्योंकि मैं एक बहुत ही बढ़िया जगह घूमने गया था। सो वहाँ के व्लॉग्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। मेरे को थोड़ा टाइम लगने वाला है उसको एडिट करने में, लेकिन मैं करूँगा टाइम पे और सैटरडे के सैटरडे वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए एडियोस।